सब उम्मीद सब खैरियत से होंगे। आज आपकी होस्ट मोना शेख एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके पास आई है और आपके साथ शेयर करने जा रही है एक नया व्लॉग। अब देख सकते हैं मैं सारी घर की सफाई वगैरह करके फ्री हो चुकी हूँ। अब हम लोग काम करके फारिग हो चुके थे तो सोचा कुछ ठंडा ठंडा पी लिया जाए, गर्मी लगती है ज़ाहिर है काम करके। आप लोग बाहर देख सकते हैं आज फिर वैसी ही गर्मी है, तपती धूप, और मेरे ख्याल में टेम्परेचर भी मैंने चेक नहीं किया, वेदर देखा नहीं है, 45-47 तो होगी। तो ये देख सकते हैं गर्मी वैसी है, तो मैंने कहा आपको बाहर का व्यू भी दिखा दिया जाए थोड़ा बहुत। ये देखें सारी वैसी गर्मी। तो चले अब मेरा तो हाल बुरा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने सफाई की है, वो आपके साथ अपनी सफाई भी शेयर करती हूँ। देखें ये वैसे तो यहाँ पे क्या कहते हैं गाड़ी होती है, आज गाड़ी नहीं थी, मौसम थोड़ा बाहर हवा चल रही थी तो हमने गाड़ी बाहर खड़ी करवा दी। तो ये देख सकते हैं मेरी मानो ये मुझसे खाना मांगती थी, कैट फूड, मैंने इसे कैट फूड दिया है सफाई वगैरह करके। मैंने कहा अभी मैंने तुम्हारे लिए साफ़ कर दिया सारा, अब तुम यहाँ पर खेलो। तो मैं वैसे तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मैंने अंदर की भी सफाई सारी कर दी है, मैं शेयर करने जा रही थी आपके साथ एक अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी। लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी थोड़ी सी ना वो अपने आपको ठंड पहुँचा लूँ, मिल्क शेक पी लूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग अब बनाने जा रहे हैं हम लोग मिल्क शेक। तो फ्रेंड्स ये मैं आ चुकी हूँ मिल्क शेक बनाने, ये मेरा जग है जिसमें मैंने मिल्क शेक बनाना है। ये मैंने मैंगो निकाल के छील लिए, पीर ऑफ कर लिया और कट कर लिए हैं। तो मैंने दो ग्लास ही बनाना था घर में, मैं इस वक्त मैं और मामा ही हैं, हम लोग सफाई करके गर्मी लग रही थी तो मैंने कहा चले मामा मिल्क शेक बनाते हैं। तो ये मैंने दो मैंगो लिए हैं, दो ग्लास मिल्क शेक कर लिए, अब हम इसमें मैंगो डाल रहे हैं। चीनी हम डालेंगे 6 से 7 चमचे, टेबल स्पून, लेकिन दोस्तों मैंने आपसे कढ़ाई शेयर की थी जिसको कहते हैं मगरों लाई कढ़ाई, लेकिन ये मिल्क शेक मैं दिल से बना रही हूँ क्योंकि मैंने पीना है ठंडा ठंडा। ये हम डाल रहे हैं शुगर, ये मैंने एक ग्लास दूध ले लिया है, मैं जो हूँ ना घर का दूध, वैसे तो घर का दूध इस्तेमाल करना चाहिए, मैं यूज़ करती हूँ ऑलपर, मुझे पसंद नहीं है, चाय भी मैं ना ऑलपर्स की पीती हूँ, आपके साथ मैंने शेयर भी की हुई अपनी चाय वगैरह। चले अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। अच्छा तो दोस्तों ये मैं डालने लगी हूँ उसमें आइस क्यूब्स, बड़े बड़े क्यूब्स हैं। तो ये मेरा मिल्क शेक तकरीबन रेडी हो गया, मैंने इसे ठंडा ही करना है क्यूब्स डाल के, तो वो शोर होगा ग्राइंड होते हुए। तो असल में बात यह है कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी रेसिपी, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया बहुत दिन हो गए मेरे स्पैगेटी खाए हुए तो मैं बोर हो रही थी, तो स्पैगेटी की रेसिपी शेयर करती हूँ आगे। तो ये अब स्नॉट ये डाल के ना आइस क्यूब तो उसको ग्राइंड कर लेंगे और फिर मज़े से पियेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मेरी मानो है जो अब खाना खा के बैठ गई है मज़े से, ये इसकी बॉल पड़ी हुई है, मैं इसे बहुत कहती हूँ इस बॉल से खेले लेकिन ये खेलती नहीं है। मिल्क शेक मेरा बन चुका है, मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन जो क्या कहते हैं उसे मेन काम है वो है मेरे रेसिपी मैंने बनानी है आज स्पाइसी सी टेस्टी सी क्या उसे कहते हैं स्पैगेटी, सॉरी मैं भूल जाती हूँ, अब तो भूलने की आदत मुझे बहुत हो गई है। तो अब मैं जा रही हूँ मिल्क शेक पीने, दिखाती हूँ आपको मिल्क शेक बन चुका है, ये देखें यम्मी। अब मैं ये इंजॉय कर लूँ, इसे पी लूँ, फिर आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होगी। मैं मिल्क शेक पी के मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने पी लिया है मिल्क शेक, मज़ा आ गया हमने ठंडा ठंडा मिल्क शेक इस गर्मी में पी के। अब चलते हैं जो मैंने रेसिपी स्टार्ट करनी है उसका आगाज़ करते हैं। तो वो रेसिपी कुछ ऐसी है कि मैंने बनाने हैं स्पैगेटी, तो आपके साथ काफ़ी दिन हो गया मैंने स्पैगेटी जो है ना खाई नहीं थी, मैं बोर हो रही थी तो मैंने कहा शेयर करती हूँ आपके साथ। तो चलें चलते हैं अभी, सबसे पहला स्टेप तो उसके लिए मैंने चिकन बॉयल होने रखा है, चिकन मैंने फ्रीज किया हुआ था तो वो मैंने बॉयल होने रखा है, रखने लगी थी, तो आपको सबसे पहले दिखाती हूँ मैं क्या करने लगी हूँ। तो चलें चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला स्टेप यही है कि मैंने चिकन लिया है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने एक प्लेट ही अपने लिए स्पैगेटी बनानी है, उसमें काली मिर्चें डाली हैं, जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाली है जिसे आप उर्दू में कहते हैं लहसुन अदरक की पेस्ट, और थोड़ा सा सिरका विनीगर, इंग्लिश उर्दू दोनों बताऊँगी आपको, और साथ में अब नमक डाल दिया और अब इसको मैं पकने रख रही हूँ, बॉयल होने रख रही हूँ। ओके अब हम शुरू करते हैं सबसे फजूल काम जो कि बहुत ही वेले लोगों का काम होता है, सब्जियाँ काटना। तो फ्रेंड्स चिकन मेरा हो चुका है बॉयल, अब मैं इसके बारीक बारीक पीस करके जो कि हम लोगों ने नूडल्स में मिक्स करने हैं स्पैगेटी में, फिर मिलती हूँ आपके साथ।
आपसे सॉरी। तो फ्रेंड्स ये वही गोश्त है जो चिकन है जो मैंने आपको दिखाया था अभी, और अब मैंने इसको मोटा मोटा तोड़ लिया है, स्लाइस बना लिए हैं जो मैंने अपनी स्पेगेटी में शामिल करने हैं। तो अब ये दूसरी तरफ देख सकते हैं पानी बॉइल हो रहा है, इसमें मैंने नूडल्स डालने हैं। ये वाले मेरे पास नूडल्स हैं स्पेगेटी, ये मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ। अब ये मैं इसमें डालूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने डाल दिए इसमें स्पेगेटी नूडल्स। अब दूसरी तरफ हम लोग काट रहे हैं गाजर कैरेट। तो ये हम काटेंगे बड़े ही नाज नखरों से। तो वह इतनी नखरे उठाने पड़ते, काम कुछ नहीं होता, सारा काम बस सब्जियों का होता है, वरना ये झटपट बनने वाले काम है। ये हमारे पास कैप्सिकम, शिमला मिर्च, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वरना मुझे क्या वो था कि इतनी गर्मी में मैं अपने लिए बना तो रही थी लेकिन साथ में ये कैमरा भी पकड़ूं। आप लोगों के साथ शेयर इसलिए किया है ताकि आप लोग देखें और बनाएं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शेप में काटी जा रही हैं। अभी हम काट रहे हैं कैबेज। आज मौसम थोड़ा बेहतर है लेकिन मैं आपको सबसे पहले बाहर की गर्मी दिखा चुकी हूँ, गर्मी तो बहुत है आज। ये हमने साथ में ये चलाया हुआ हुड, वरना हमारे यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल था, सारी हीट कंज्यूम कर लेता है ये। तो फ्रेंड्स हमारे नूडल्स बॉईल हो चुके हैं, अब हमने इनमें थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगाया है ताकि जो है ये आपस में एक दूसरे से ना चिपके। आप लोग भी लगाया करें ऑयल वगैरह जब बॉईल करें, क्योंकि आपस में एक दूसरे से ना चिपक जाते हैं। तो अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ रखेंगे और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारी कटी हुई सब्जी वेजिटेबल, ये है हमारे पास गोश्त, और ये है नूडल्स। तो चलें चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने ऑलिव ऑयल डाला है खाने वाला, दो किस्म के ऑलिव ऑयल होते हैं आप लोग भी जानते होंगे, एक आप लगा सकते हैं और एक खा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, इसको हम करेंगे फ्राई। चिकन हमने 5 मिनट इसको फ्राई कर लिया था, तो अब हमने इसमें सब्जी भी ऐड कर दी है। अब इनको अच्छी तरह फ्राई करके मसाले वगैरह डालेंगे जो हम अपनी उसे जितने आप खा सकते हैं स्पाइसी वो चीज़ें डाल सकते हैं अपनी वो क्या कहते हैं हल्के टाइप का आपका जैसे दिल करे। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाती हूँ तो स्पाइसी ही बनाऊँगी। काफ़ी दिन हो गए थे मैं उदास हो रही थी कि मैंने आज स्पेगेटी नहीं बनाई। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले सॉस। अब ये हम इसमें डाल रहे हैं चिली सॉस, दो बड़े टेबल स्पून चमचे, या टेबल स्पून भी नहीं है तो बहुत बड़ा है स्पैचुला है, ये दो हैं, दो डाल दिए ठीक है। अब डालेंगे वो वाला सॉस, सोया वाला सॉस वो भी इसी तरह 2 टेबल स्पून बनता है ये 2 टेबल स्पून। यस हाँ फ्रेंड्स मुझे बहुत गर्मी लग रही है,
पहले इसलिए मैंने एनर्जी ली थी मिल्क शेक पी के ठंडा ठंडा, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी पसंद की चीज़ खाने के लिए थोड़े से स्ट्रगल तो करने पड़ते हैं ना। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे विनीगर। नाउ मिक्स, फ्लेम ऑन कर लेंगे। आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं पकने की। अभी हमने इसमें सॉल्ट भी ऐड करना है, लेकिन पहले नूडल्स ऐड करेंगे। फाइनली मेरे नूडल्स इसमें जाने लगे हैं, ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे। नाउ डन, मिक्स इट वेल। अब इसमें आप अपनी मर्जी से नमक मिर्च वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं डालूंगी और नमक आपको जितना सही लगे, हसबे जायका सॉस में भी होता है। ये देखिए लाल मिर्च डाल दी हमने, कुटी लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, हम डालने लगे हैं ब्लैक पेपर, काली मिर्च, मिलती हूँ मैं आपको इससे मज़े से डिश आउट करने के बाद जब मैं कुछ खाने लगूँगी। तो फ्रेंड्स मेरे स्पैगेटी रेडी हो चुकी है, स्पाइसी भी लगी है, बहुत मज़ेदार लग रही है देखने से। तो अभी मैं खा के बताऊँगी कि कैसी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और मेरा ब्लॉग भी पसंद आया होगा जब आप देखेंगे। मेरे चैनल को करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और ये हम ऊपर से डाल रहे हैं क्योंकि मुझे सॉस कम लगे थे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं आप मैं ये टेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।